ये आप गलत टॉपिक पे जा रहे हो वैसे। मैं अगर मैं रॉन्ग पे खड़े हो गए गलत लोगों से पंगा ले लिया। हमारे में इस समय मैक्लोडगंज लोगों से एक काल्पनिक स्थिति, एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करने, जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जिस बारे में उन्होंने आज तक सोचा नहीं होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। इसका आंसर तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं 2 मिनट में आपको ऐसे बता नहीं सकते, काफी गंभीर सवाल है। ऐसी आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय भी आपात होता है। बहुत क्वेश्चन है ये तो। एक बार आप मुझे फिर से बताओगे? तो एक इमेजिनरी सिनेरियो है, एक ट्रेन है जिसके अंदर 10 लोग है, वो भाग रही है पुल पे, पुल आगे से टूटा हुआ है, तो ट्रेन अगर एंड तक गई तो गिर जाएगी, 10 लोग मर जाएंगे। पर उसी पुल पे ट्रैक्स के साइड में आप भी खड़े हैं, आपके एक अनजान व्यक्ति, अगर आप उसको धकेल देते हैं पटरी पे तो ट्रेन उससे टकराएगी, रुक जाएगी, 10 लोग बच जाएंगे लेकिन वो एक व्यक्ति मर जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं, या तो आप उसको धक्का दें और 10 लोगों की जान बचा लें, या कुछ ना करें और 10 लोगों को मर जाने दें। आप क्या चूज करेंगे? उसका स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? पास में है उस लोग में। फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, एथिक्स का है। वो 10 जिंदगियां आपके हाथ में है। मैं कुछ नहीं करूंगी। तो तुम 10 लोग को मरने दोगे? हाँ। सही आंसर तो दोनों ही नहीं है बेटा। आप क्या करोगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि सही। हाँ, मैं नहीं दूंगा धक्का। नहीं सर, आपका भागीदारी नहीं बनूंगा मैं। किसी और को धक्का देने से रुकती है तो मैं खुद ही क्यों नहीं गिर जाऊंगी। आप खड़ी हैं, आपका ये अनजान व्यक्ति है, साथ ही में गली का कुत्ता भी है जिसे आप जानती नहीं है, आप उसको ट्रैक्स पे धकेल के 10 लोगों की जान बचाएंगे? हाँ, यस। तो समहाउ जो कुत्ते की लाइफ है वो कम वैल्यूएबल है इंसान से ना? सब कम ही है। ऐसा क्यों? उसी तरह बड़े हुए हम। जब आप 4 साल के थे तो आपके कुछ और अटपटे विश्वास भी रहे होंगे, बुड्ढा बाबा आएगा ले जाएगा, भूत प्रेत है ना, आप अभी भी उस सब में मानते हो? सुपरस्टिशन तो कम नहीं होते जा रहे। सब लोग कुत्ते से उतना अच्छा तरीका से बात, इंटरेक्शन वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। वो लोग हैं ना जो बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। हाँ। इंटरेक्ट तो हम उनसे भी नहीं कर सकते। जी जी। तो क्या उनकी जान कम कीमती है? हाँ, एक इंसान के साथ साथ पूरी फैमिली कनेक्टेड है। आप हो जी, आप मैरिड हो, आपके 2 बच्चे हैं जी, तो आपकी लाइफ ज्यादा वैल्यूएबल है उससे जो सिंगल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। डॉग होगा, उसके 2-4 बच्चे होंगे, मतलब जो 10 बच्चे 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनकी जान, हम जो 1 बच्चा या 2 बच्चे पैदा करते हैं नहीं, उनकी जान ज्यादा कीमती नहीं हुई? किसी इंसान को भी नहीं फेंकूंगी, सेकंड किसी डॉग को भी नहीं फेंकूंगी। नहीं, तभी भी नहीं। तभी भी नहीं, नहीं। थोड़ा सा प्यार मारा ना, ना। कुत्तों से तो बहुत ज्यादा प्यार है। नहीं, एक्चुअली आई एम एनिमल लवर, तो मेरे टिपिकल होगा ये तो, और बड़ा पाप हो जाएगा ना। खुद कूदेंगी या गली के कुत्ते को धक्का देंगी? Still humanity, it's me. मैं ही करूंगी जो करूंगी। आप अनजान व्यक्ति कुत्ता और उसके एंड में वो है, वो जो सफेद सा मुर्गा नहीं होता पिंजरों में होता है चिकन शॉप्स पे, पोल्ट्री वाला, उसे अगर धकेलेंगी तब भी ट्रेन रुक जाएगी, क्या आप उसे धकेल के 10 लोगों की जान बचाएंगी? मुर्गी को ऐसे ही मारा जाता है, चाहे मैं ना मारूं कोई और मारेगा। काट के तो खा देंगे बाद में, तो अगर मर भी जाएंगे तो बाद में बिक सकते हैं वो मुर्गियां जो मरी है। नहीं, मैं वो नहीं कर सकती। सेम प्रिंसिपल है, वो इंसान हो कुत्ता हो जो भी हो, जान तो जान होती है। लाइफ तो हर किसी की है, वेदर जो जानवर हो या इंसान हो। और कुत्ते के साथ एक फिर मुर्गी भी खड़ी है, same जान चीज़। तो उसके अंदर भी है, खुद कूद जाएंगे। सेम चीज। और आप नॉनवेज खाती हैं? खाते हैं, चिकन खाते हैं। मैं खाता हूं दोनों हाथ से। खाने का अलग चीज बात है। तो आप एक मुर्गी को 10 लोगों को बचाने के लिए नहीं मारोगे, पर स्वाद के लिए खा जाते हैं? मैं नहीं मारूंगा, कोई और मारता तो मैं खा जाता हूं। अगर आप नहीं भी खाओगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कोई और खाएगा, ऐसा वाली बात है। इतना समझदार आदमी और कह रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अरे उन्हें पैदा ही नहीं किया जाएगा। फैक्ट्री फार्म से में पैदा कर रहे हैं ना। पहले आप KFC बंद कराइए। आपने एक नेचर ऑफ साइकिल का नाम सुना है? वो बनी उसके, उसके लिए ही है। उसके कान में भगवान राम ने बोला क्या कि भाई तू इतने को काट रहे लिए भेज रहा हूं धरती में, देखो कितना बनी उसके लिए। सबसे ज्यादा मजा वो ले रहे हैं। थोड़ा आपका जो बिलीफ सिस्टम है और एक्शन थोड़ा मिसमैच है। ऐसे ही है, आप भी मुर्गी को धक्का नहीं दोगे 10 लोगों को बचाने के लिए, जो तुम बोल रहे हो ना, पर मुर्गी खा जाओगे। ये हमारी डेली लड़ाई होती है, ये हमारी डेली लड़ाई होती है इस बात पे। प्लीज आप माइक इधर देंगे, ये लड़ाई हमारी डेली होती है, हम घर में डेली। यार ये ना ये गलती दिखा के बकरा पकड़ा हमने। नहीं, आई एग्री, आई एम विद यू, मैं इधर आ जाती हूं। प्लीज अब
हाँ तो हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरा तो फिर भी हो सकता है जवाब ना दे आपको, कैसे लगेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुर्गी को, मेरे को सारी उम्र जिद सुनना पड़ेगा ये। हाँ मैं नहीं मार रहा ना, मैं नहीं मार रहा। अच्छा बस ये फर्क है तो आप, और आप मारते खुद क्यों नहीं हो? मारते खुद क्यों नहीं, नहीं, इतना नहीं, इतना पॉसिबल ही नहीं है। पर आपको लगता है कि गलत है? गलत है हाँ। तो गलत करवा सकते हैं, करना है। बहुत अच्छी बात है। आपने जब बोला ना, मैं पूरी ज़िंदगी सुनाने वाली हूं। मैं शायद वेजिटेरियन बन जाऊं। इसके बाद यू नो यू सॉल्व माय प्रॉब्लम। ये मेरी एक्चुअल में हमारी मेरी डिनर दिन रात इस चीज पे डिबेट होती है कि तुम खा कैसे सकते हो अगर तुम्हारे को जानवरों से इतना प्यार है तो। बट आपने जो पॉइंट किया है ना, बेटा वेजिटेरियन बन जाओ। चलो ठीक, 1 मिलियन लोग हमारा चैनल देखते हैं तो आप उनको प्रॉमिस कर रहे हो ना? प्रॉमिस मैं वेजिटेरियन बन गया, गुड़गांव में रहते ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर, लवली मीटिंग यू। थैंक यू, बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।